प्यारे सुमंत मुझे उनका संदेश सुनाओ। अरे जिले राजा होकर मैंने बलवान दे दिया। प्यारे सुमंत उनके मन की बात बताओ। प्यारे सुमंत मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा? प्यारे सुमंत जल्दी बोलो वरना मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। प्यारे सुमंत नहीं बोलोगे नहीं तो मुझे भी ले चलो मेरे राम के पास। सगा सुमंत मेरे राम को मैं अपने आंखों के सामने देखा था। सुमंत कुछ तो बोलो वन गमन की वृतांत तो बताओ। राम लक्ष्मण और सीता नौका द्वारा गंगा पार हुए। मैंने राम को वापिस लाने का बहुत प्रयत्न किया परंतु राम अपने निश्चय पर अटल रहे। फिर मैंने लक्ष्मण व जानकी जी को वापिस चलने के लिए कहा परंतु वो दोनों भी कहने लगे हमें है प्रेम रघुवर से, सब संसार मिथ्या है, न हमको राहत इच्छा है न कुछ सुखी ही। महाराज लक्ष्मण का क्रोध तेज था। वो कह रहे थे जिस राज्य में न्याय नहीं हम वहाँ कदापि नहीं जाएंगे। हमारे लिए तो श्री राम ही सब कुछ है। सुमंत ठीक कहा है लक्ष्मण ने। परंतु बेटा लक्ष्मण अब मैं मरने चला हूं इसलिए मुझे क्षमा कर दे। सुन ले आखिरी अरदास मरते की लगन बेटा प्रिय कौशल्ये आज मेरी वर्षों की लीला समाप्त हो रही है। नाथ धैर्य से काम ले होनी बड़ी बलवान है इसे कोई भी टाल नहीं सकता। निसंदेह कौशल्ये होनी बहुत बलवान है। मैंने इस संसार में क्या नहीं देखा। एक समय जब मेरी जवानी की अवस्था थी प्रजावासियों ने आकर कहा महाराज जंगली जीवों ने बहुत सताया है। प्रजा के आग्रह पर मैं जंगल में शिकार के लिए गया और वहां एक दिशा से
आवाज आई, डब 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 की आवाज आई। मैंने सोचा कोई जंगली जीव है और मैंने उस दिशा में शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। तीर के लगते हुआ करुणा का संचार किसी तड़पते प्राणी की आई आर्त पुकार। कौशल्ये मैं घबरा गया और मैं कदम थाम कर दिशा में गया। वो तीर एक तपस्वी के सीने पर था, वो शांतनु का पुत्र था जो अपने अंदर माता पिता की प्यास बुझाने हेतु जल लेने आया था। वो तड़पता सन्यासी श्रवण कुमार था कौशल्ये। उसने पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सरहद प्यारा है, पढ़ ही संजीव के धोखे में मैंने ही तुमको मारा। कौशल्ये मेरा नाम सुनते ही उसने प्रणाम किया और कहा महाराज ये जल ले जाकर मेरे अंधे माता पिता की प्यास हो जाओ। और उसने तड़पते हुए मेरे आंखों के सामने प्राण त्याग दिए। मैं क्या करता, मैं जल लेकर के अंधे माता पिता के पास गया। मेरी आहट सुनकर वो बोले बेटा आ गए। बेटा श्रवण तुम आ गए। मैं क्या बोलता कौशल्ये, मैं मौन सोचता रहा क्या बोलूं। उन्होंने फिर पूछा प्रिय पुत्र तू बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा माता पिता पहले जल ग्रहण करो। उन्होंने कहा तुम कौन हो, कौन हो, हमारा पुत्र कहाँ है? मैंने कहा माता पिता पहले जल पी लो। हे माता पिता मैंने गलती से शब्द भेदी बाण के तुम्हारे पुत्रों की हत्या कर दी। प्रिय कौशल्ये मेरे सामने ही उन दोनों माता पिता बिलख बिलख कर रोने लगे और कहा राजन हमें हमारे पुत्र के पास ले चलो। मैं उन दोनों को उठाया और भारी मन से उनको श्रवण की लाश के पास ले आया। दोनों ने बड़ा भारी विलाप किया।
वियोग में हम तड़प रहे हैं। एक दिन आएगा तू भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण। और याद रख, अंतिम समय में कोई भी पुत्र तेरे पास नहीं होगा। ये कौशल्य, मैं खुश भी हुआ क्योंकि मेरे संतान नहीं थी। मैंने कहा इन माता पिता के हिसाब से चलो संतान तो होगी। कौशल्य, आज वो दिन आ गया है, मैं वही समय देख रहा हूं। वो देखो कौशल्य, वो देखो, शांतनु की आत्मा बार बार कह रही है, दशरथ पुकार पुकार अपने पुत्र को। वो देखो कौशल्य, मेरे राम जा रहे हैं। वो देखो, वो मुझे बुला रहे हैं। ठहरो,